और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को लेकर सामने आ रही है माफिया। मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी से माफिया मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके बाद सजा का ऐलान दोपहर 2 बजे के आसपास होना था और अब 2:15 बजे ये अपडेट सामने आया। देश हत्याकांड में मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 31 साल पुराने मामले में यह फैसला आया है, माफिया मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब देश हत्याकांड में और इस खबर पर सारा जानकारी के साथ अमित सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट है। अमित, सबसे पहले अपडेट। अमित, आवाज आ रही है आपको? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी जो है वो दोषी ठहराया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा कोर्ट। 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास कहते हैं वो अब सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट इतने दिन से जेल में है, उम्र कैद माइनस होती है? नहीं, देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है। देखिए 1,00,000 जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपया जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देते तो 3 महीना और जेल में। तो इस जी देखिए ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा, आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है, और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है, शासन बाद में नेक चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेस में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा सवाल उठ रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पहले से ही